सब्सक्राइब करें लवकेश तंवर चैनल को एंड बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलती रहे और आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएं। दोस्तों स्वागत है आपका संजय के इस नए हॉटशॉट में। यहाँ आप जानेंगे लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, तो देखते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश, आप देख रहे हैं लोकेश तंवर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो फर्स्ट अपडेट आ रहा है शाओमी की तरफ से, शाओमी ने नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया रेडमी 5, जो कि चाइना में लॉन्च किया है और इंडिया में लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। मतलब कि 2018 के अंदर इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। उसके अंदर फीचर्स की बात की जाए तो वहां पर दो वेरियंट आपको देखने को मिल जाएंगे, 3GB रैम प्लस 32GB इंटरनल मेमोरी के साथ और दूसरा होगा 2GB रैम प्लस 16GB इंटरनल मेमोरी के साथ। और वहां पर आपको 430 प्रोसेस देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन और दूसरा मिल जाएगा 630। और अगर कैमरे की बात की जाए तो 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो 5 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। और दोनों का प्राइस होगा, एक होगा 8,000 के समथिंग, दूसरा होगा 10,000 के समथिंग। यदि आप उन स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आराम से ले सकते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वो फेसबुक की तरफ से। फेसबुक ने अपना नया एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है जो कि फेसबुक फॉर क्रिएटर्स के नाम से है। यहाँ पर आप यूट्यूब की तरह अपनी वीडियोस को डाल सकते हैं और ऐड आएंगी तो उनसे पैसे भी कमा सकते हैं। यहाँ पर ये एप्लीकेशन सिर्फ iOS के लिए अवेलेबल रहेगी। यदि आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन आप ज्वाइन कर सकते हैं आराम से इस फेसबुक को क्रिएटर के नाम से। पहले यूट्यूब की सिर्फ मोनोपोली थी, सिर्फ यूट्यूब ऐसा स्टेज था जहाँ पर हम पैसे कमा सकते वीडियो डाल के। लेकिन वैसे तो बहुत सारे स्टेज हैं, लेकिन यूट्यूब थोड़ा पॉपुलर था, लेकिन फेसबुक पॉपुलर भी है और फेसबुक ऐसा फीचर ला रही है तो शायद फेसबुक को कंपटीशन के लिए एक दूसरा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वो है स्क्रीन फिंगरप्रिंट को लेकर। आपने अपने मोबाइल के अंदर आज तक फ्रंट में फिंगरप्रिंट सेंसर यूज किया या फिर मोबाइल के बैक पैनल पे फिंगरप्रिंट सेंसर को यूज किया हुआ, लेकिन अब से आप स्क्रीन में फिंगरप्रिंट सेंसर यूज कर पाएंगे। स्नैपटेक नाम की कंपनी है जिन्हें स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर पर काम कर दिया है और नया अपना स्क्रीन फिंगरप्रिंट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया का पहला स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर होगा जो कि स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर में आएगा और उसके साथ वीवो ने अपनी बाजी मार ली है। जी हाँ दोस्तों, वीवो दुनिया का पहला फोन होगा जिसके अंदर स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा। वीवो अच्छा काम कर रहा है, यहाँ पर वीवो थोड़ा सा उभर के आ रहा है, थोड़ा सा अच्छे फीचर्स दे रहा है वीवो। तो आप इस स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं तो 2018 के अंदर स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हैं, 2018 के अंदर ये लॉन्च हो जाएगा। दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट आया वो बिटकॉइन को लेकर आ रहा है। दोस्तों बिटकॉइन पूरे वर्ल्ड में ट्रेंडिंग कर रहा है, लेकिन आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है बिटकॉइन। बिटकॉइन के लिए अलग से वेबसाइट आई है BTS के नाम से, जो कि फ्लैश सेल कर रही है बिटकॉइन के, संडे को करेगी। यदि आप बिटकॉइन को परचेज करना चाहते हैं वहां पर परचेज कर सकते हैं। आपको वहां पर 500 रुपए का कैशबैक भी दिया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा है बिटकॉइन, क्योंकि आज बिटकॉइन का प्राइस लगभग, एक बिटकॉइन का प्राइस 10,86,000 के समथिंग है। तो आप बिटकॉइन को परचेज करना चाहते हैं, उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आराम से कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ चाइना में बिटकॉइन को बैन कर दिया है और भारत सरकार भी जल्दी इसको शायद बैन कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होती है, हमेशा फ्लैक्चुएट करता रहे, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, डिटेल में आपको जान सकेंगे इसके में। तो नेक्स्ट अपडेट है वो इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर के। दोस्तों अब जो स्मार्टफोन इंडिया में इम्पोर्ट होंगे उन पर इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगेगी। मतलब कि हालांकि ये एप्पल पर थोड़ा सा ज़्यादा फर्क पड़ने वाला, क्योंकि एप्पल हम ही परचेज करते हैं, हालांकि हम पर ही फर्क पड़ेगा क्योंकि हम एप्पल को परचेज करते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, जिसके कारण एप्पल का प्राइस होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा और आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे किसी भी एप्पल के स्मार्टफोन को परचेज करने के लिए। तो हालांकि ये इसलिए कर रहे हैं इंडिया चाहता है कि मेड इन इंडिया हो सब कुछ। आप जो नए स्मार्टफोन पर मेड इन इंडिया स्मार्टफोन बने, आपने देखा होगा जो शाओमी के नए स्मार्टफोन है सारे के सारे मेड इन इंडिया आते हैं आजकल, क्योंकि इंडिया चाहता है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को यूज़ करें लोग, बाहर के प्रोडक्ट्स को ना यूज़ करके, क्योंकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और बहुत सारे फायदे होते हैं मेड इन इंडिया के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वो 20 रुपए के नोट को लेकर आ रहा है। दोस्तों आपने अपने वीडियोस में देखा होगा, यूट्यूब पे वीडियोस बहुत सारी आ चुकी हैं, फेसबुक पे भी बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं, और मतलब कि आपने पोस्ट देखे होंगे फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह पे इंस्टाग्राम पर कि 20 रुपए का नया नोट आने वाला है, वो कुछ गुलाबी प्रिंट में होगा ऐसे ऐसे कुछ। लेकिन RBI ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई भी नोट आने वाला नहीं है, यदि आएगा तो पहले से बता दिया जाएगा। यदि ऐसे आपको 350 का नोट, 350 का नोट भी देखने को मिल जाएगा वीडियोस में, न्यूज़ में बहुत सारी जगह पे पोस्ट डाले जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अभी तक RBI ने कोई साफ नहीं किया कि ऐसे ऐसे नोट आने वाले हैं मार्केट के अंदर, जब भी आएंगे आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों ये थे आज के संडे हॉट शॉट। आपके मन में इनसे रिलेटेड सवाल है सुझाव तो कमेंट करके जरूर बताना, और मैंने बता दिया था कि मैं बिटकॉइन के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा तो मैं जरूर इसके डिटेल में बताऊंगा बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन क्या है और हम इसको कैसे परचेज कर सकते हैं, और जो नई कंपनी आ रही है उसके क्या क्या फीचर्स दे रही है हमारे लिए। संडे को हम, आज संडे है तो आराम से आप परचेज भी कर सकते हैं, लेकिन
मैं आपको बताऊंगा, यदि आप बिटकॉइन को परचेज करना चाहते हैं, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप बिटकॉइन में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे आजकल बहुत सारी इंडिया में बहुत सारी वेबसाइट आ गई जो कि बिटकॉइन को परचेज करने के लिए ऑफर दे रही हैं, तो हम वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। लेकिन मैं उनको अच्छे से डिटेल बताऊंगा क्या होता है बिटकॉइन और कैसे कैसे ये काम करता है, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। एंड बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।